देखिए आपका टीपीए भाई चल रहा था और टीपीए में अभी सामान्य बातें ही बताई जा रही थी, फिर एक बार आपका दो चार लाइन दोहराया जाए और तब तो उसको सामान्य बातों को और आगे हम बढ़ाते हैं। देखिए टीपीए में आपका ये बताया गया था अब तक द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट यानी कि संपत्ति अंतरण अधिनियम या संपत्ति संक्रमण अधिनियम आपका ये 1882 अंग्रेजों द्वारा बनाया गया। तो पहला आपका बताया गया था निर्माण की तिथि याद रखना है 17 फरवरी 1882। इसके बाद आपका किस विधि आयोग की सिफारिश पर ये बनाया गया तो थर्ड लॉ कमीशन यानी कि तृतीय विधि आयोग की सिफारिश पर। फिर आपका बताया गया कि अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कानून को पढ़ने का कॉन्स्टिट्यूशनल बेस क्या है तो अनुच्छेद याद रखना है 372। फिर आपका ये बताया गया कि प्रवर्तन तिथि कितनी है यानी कि किस तारीख को ये कानून लागू हुआ तो ये पूछा भी गया था आपका मैंने 1 जुलाई 1882 बताया गया और ये हरियाणा जे में ये क्वेश्चन आपका पिछली बार आ चुका है, आया भी था ये क्वेश्चन। इसके बाद कुछ कल हम जो उठाए थे और वह जो पॉइंट बता रहे थे कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट अपने संपत्ति अंतरण के बारे में आपका पूर्ण नहीं है क्योंकि केवल और केवल 6 प्रकार के विशिष्ट अंतरण ही दिए गए हैं। 6 प्रकार के कौन कौन है, विक्रय बताया गया, फिर बंधक, फिर पट्टा, फिर विनिमय, फिर दान और फिर आपका एक्शनेबल क्लेम यानी कि अनुयोज्य दावा। कुल अध्याय 8 हैं और कुल धाराएं 137 हैं, ये बताया गया था। यह अधिनियम किस कानून की कमी की पूर्ति के लिए बनाया गया तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के यानी कि भारतीय संविधान नियम 1872 की कमियों की पूर्ति के लिए सेक्शन भी आगे बताया जाएगा। ये सेक्शन 4 में दिया गया है और किसका सप्लीमेंट्री है, किसका पूरक है तो रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 यानी कि भारतीय पंजीकरण अधिनियम आपका 1908 का। ये हम नहीं बता रहे, यह स्पष्ट रूप से इस सेक्शन में लिखा गया है आपका सेक्शन 4 में, आगे बताया जाएगा अब सेक्शन शुरू होगा तो। इसके बाद आपका संशोधन से क्वेश्चन बनता है कि आपका टीपीए में जो सर्वप्रथम संशोधन हुआ ये क्वेश्चन अभी कहीं बना नहीं है, हो सकता है कि ये नया क्वेश्चन अब आपका बन जाए। तो द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में सर्वप्रथम जो संशोधन हुआ था वह 1885 में हुआ था यानी कि 1885 ईस्वी, हो सकता है कि बने क्योंकि आजकल ऐसा एक क्वेश्चन ऐसा बन रहा है संशोधन या एमेंडमेंट से। आपका संविधान में संशोधन भी आज पढ़ाना है तो अनुच्छेद 368 कल बताया गया था कि अब तक कितनी बार 368 में संशोधन हो चुका है, 4 बार, तो वहाँ भी पूछ सकता है तो बताया ही जाएगा वो तो डिटेल में, चारों बारों में क्या हुआ ये अलग से बताया ही जाएगा। लेकिन आपका टीपीए में अगर पूछे कि सबसे पहले संशोधन कब हुआ तो ये आप अच्छे से तैयार रखिए, ये हो सकता है कि यही दो चार जो क्वेश्चन है आपको आगे बढ़ाएं। भाई आम आदमी या जो सामान्य पढ़ते हैं किताब उताब लड़के वो ये सब नहीं जानते और यही दो चार क्वेश्चन आपका न तो गाइड में मिलेगा न जल्दी किताब में न साल में, और यही दो चार क्वेश्चन आप जानते रहेंगे तो आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में जैसे आपका कि जो 4 मई को संशोधन लागू हुआ 2018 को उत्तराखंड पुलिस एक्ट का, वह कम लोग जानते थे, इसीलिए को भाई यहाँ पढ़ने वाले लोग बताया गया था तो कर आए, अन्य लोग गलत करके आए हैं, दूसरी कोचिंग में जाकर पूछिए तो कोई कर नहीं पाया क्योंकि पढ़ाया ही नहीं गया।
यहाँ तो कुछ छोड़ा ही नहीं जाता, चाहे लोकल हो माइनर हो, समय समय पर सब क्या होता है चलता रहता है, इसमें कोई शक नहीं। तो आपका जिन लोगों को भाई एमपी अगर डालना है तो जे की वैकेंसी आई है और फार्म डाल सकते हैं, अलग से आपका जो चार पांच लोकल या माइनर हैं यहाँ आपका पढ़ाया जाता है, बाद में पढ़ाया जाएगा एग्ज़ाम के पहले क्रैश कोर्स में, भले चार चार दिन ही पढ़ाया जाए लेकिन उतना में प्री के लिए पर्याप्त होता है। तो जिनको डालना है एमपी जे आई है वैकेंसी डाल सकता है फार्म भाई। इसके बाद पहला संशोधन जैसे ही पढ़िए, कुछ को रिलेट करके भी पढ़िए, क्योंकि एक क्वेश्चन आपका निश्चित ऐसा आ रहा है जो यूपी एपीओ में आया कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम में सबसे पहले संशोधन कब हुआ, तो 1938 पूछा गया था यूपी एपीओ इस बार। तो 1938 में क्या किया गया, तो एविडेंस की धारा 2 को और उसके साथ जो शेड्यूल या अनुसूची थी उसको रिपील या समाप्त या खत्म या निरसित किया गया। इसके बाद आपका संविधान में तो कई बार पूछा है कि संविधान में प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ, तो 1951 में हुआ। इसके बाद आपका जे में आईपीसी में इस बार आया था, इसी बार आया था 2018 में, कि आईपीसी में प्रथम संशोधन कब हुआ, तो 1870 में हुआ। यहीं अगर सीआरपीसी में पूछे तो 1978 मार कर आना है। यानी कि कुल मिलाकर आपका कुछ मैं कानून बताया और जिसमें प्रथम संशोधन कब किया गया ये हम एक जगह कोरिलेट करेंगे, यानी कि लिखवाते समय एक जगह आपका हम एकत्रित करवा देंगे ताकि कहीं से भी प्रथम पूछे तो वह गलती न हो। याद रखिए इसको, एक क्वेश्चन यहाँ बन रहा है। इसके बाद संशोधन के बाद जो टीपीए में आपका पढ़ना पड़ता है, आपका कह सकते हैं कि प्रतिस्थापित धारा, तो प्रतिस्थापित धारा भी पूछी जाती है और इसको समझने का प्रयास करिए, हमेशा ये भी पूछा जा रहा है। देखिए प्रतिस्थापित धारा या सब्स्टिट्यूटेड सेक्शन क्या है, यानी कि पुनर्व्याख्यित धारा या पुनर्परिभाषित धारा दे, या ऐसा भी क्वेश्चन एक पूछा जा रहा है और यूपी जे में पूछा गया था, पूछा ये गया था आईपीसी में, हर एक जगह क्वेश्चन भी देखना है, केवल टीपीए का नहीं, यानी कि केवल टीपीए आपका आईपीसी में जाकर पूछा गया था कि धारा 375 क्या है, संशोधित है, परिवर्धित है, निरसित है, प्रतिस्थापित है। तो प्रतिस्थापित को थोड़ा समझिए, उसके बाद हम बताते हैं कौन कौन सी धाराएं प्रतिस्थापित हैं। जैसे कि आपका बोतल वही रहती है, मान लीजिए एक बोतल में शराब भरी है, पूरी शराब को निकाल दीजिए, बोतल वही है और नई शराब डाल दीजिए, इधर बैठिए पीछे, इधर आगे जगह नहीं है, पीछे बैठिए आराम से, तो वहीं निकल जाइए पीछे, यहाँ बैठिए। देखिए आपका मैंने बोतल वही रहती है और शराब क्या होती है, बदल जाती है, बस उसी सिद्धांत को अपनाइए। सेक्शन में कोई बदलाव नहीं होता, लेकिन सेक्शन की जो बातें लिखी रहती हैं वह पूरी बातें जब नए सिरे से लिखी जाए तो ये कहा जाता है कि पूरे सेक्शन को प्रतिस्थापित कर दिया गया है। फिर एक बार समझिए, धारा चेंज नहीं होती लेकिन धारा की सभी बातें क्या कर दी जाती हैं, चेंज, तो ये पूरी धारा प्रतिस्थापित हो गई और धारा के कुछ शब्द चेंज किए जाते हैं, यानी कि कुछ शब्द प्रतिस्थापित किए गए। तो जब आप आईपीसी पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि जो 375 धारा है वह पूरी तरह 2013 में क्या लिखी गई है, नई, यानी कि पुराना जो प्रावधान था हटाकर अब पूरे लाइनों को क्या लिखा गया है नए सिरे से, तो ये क्या हो गई, प्रतिस्थापित। तो टीपीए में बैक हो जाइए, दो धाराएं प्रतिस्थापित हैं जो कई बार आपको मिलेगा ये साल पेपर में, याद रखिएगा। एक धारा 106 है
और दूसरी धारा आपका मुख्य रूप से 53 है। ये दो धाराएं क्या हैं? प्रतिस्थापित। इसके साथ जब आप संविधान में जो ये अनुच्छेद 368 बताया जा रहा है, ये भी पूछा जाता है कि ये कब प्रतिस्थापित किया गया, यानी कि कब नए सिरे से लिखा गया। तो ये नहीं कि मूल संविधान वाला ही है, जो हम संविधान में 368 अनुच्छेद बताएंगे, ये एक बार क्या हो चुका है? प्रतिस्थापित, मैंने नए सिरे से इसको लिखा गया है। तो आगे चलिए, आगे देखिए। अब अगला जो आपका देखना है, आपका संपत्ति का अंतरण कैसे होता है, ये बता ही दिया गया है। अब आपका कह सकते हैं कि जो संशोधन हुए हैं, कभी का लिए पूछ रहा है, क्रम पूछ रहा है। तो पहला संशोधन टीपीए में फिर याद रखिए कब हुआ, 1885, दूसरा 1900 में, तीसरा 1904 में और चौथा 1908 में। कम से कम तीन या चार संशोधन क्रम से क्या करिएगा, याद रखिएगा, चांस है पूछने का। इसके बाद आपका जो इस समय पूछा जा रहा है क्वेश्चन, नए नए क्वेश्चन, कि सबसे अधिक अधिक संशोधन किस सन में हुआ, ऐसा क्वेश्चन आपका ये बिहार में इस बार एपीओ में पूछा गया था कि मिनी संविधान किस संशोधन को कहते हैं संविधान के 42वें। तो सबसे व्यापक या सबसे अधिक संविधान में संशोधन आपका किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया, 42वें यानी कि 42वें, और इसी को हम क्या कहते हैं, मिनी संविधान। उसी प्रकार टीपीए में भी अब आ सकता है कि सबसे व्यापक या ज्यादा संशोधन किस सन में किए गए, तो 1920 यानी कि किस सन में, 1929। रट कर जाइएगा किस सन में, नए नए क्वेश्चन है, कहीं जल्दी मिलेंगे नहीं। किस सन में किया गया सबसे ज्यादा, आपका 1929 में। इसके बाद जो आपका पढ़ना है, ये देखा जाए, आपका कह सकते हैं कि अब दो सिद्धांत, जो दो नियम बताने हैं, और उसके बाद आपका टीपीएस शुरू करना है। जो दो नियम हमें बताने हैं, जो बार बार पूछा जाता है, उन नियमों को अब देखिए, यानी कि आपका दो से तीन, तीन नियम हम बता रहे हैं। इसके बाद ये तीन जो नियम रहेंगे, इसके बाद से सामान्य बातें समाप्त हो जाएंगी। देखिए तीन नियम, एक तो आपका मुस्लिम विद को देखना है, यानी कि मोहम्मडन लॉ भी कहते हैं, या मुस्लिम विद को देखना है। दूसरा जो पॉइंट हमें देखना है, वह पक्षकारों के कार्य द्वारा संपत्ति, पक्षकारों के कार्य द्वारा संपत्ति के अंतरण के विषय में। और तीसरा जो देखना है, इंटर वाइवस यानी कि जीवित व्यक्तियों के मध्य अंतरण, यानी कि जो भी अंतरण होगा क्या होगा, जीवित व्यक्तियों के मध्य होगा। कल बताया भी गया था, तीन पॉइंट देखिए। इसमें जो आपको अच्छे से देखना है, आपका दो पॉइंट, तीनों पॉइंट प्री में पूछे जाते हैं, और फिर से एक बार देखिए। आपका जो धारा आपका दो होगी, यानी कि जो सेक्शन टू हम पढ़ाएंगे, उसमें इसमें से दो बातें समाहित हैं। पहली बात देखिए, पहली बात ये है कि अगर टीपीए के अध्याय दो, अध्याय दो का मतलब कि धारा 5 से लेकर कहाँ तक, 53A। फिर एक बार देखिए, अगर टीपीए का अध्याय दो यानी कि सेक्शन 5 से लेकर 53A तक के प्रावधान और मुस्लिम विध के प्रावधानों में टकराव होता है, विरोधाभास होता है, यानी कि असंगतता होती है, तो ऐसी दशा में वहां मुस्लिम विधि प्रिवेल करेगी और टीपीए लागू नहीं हो। फिर एक बार समझिए, यानी कि आपका इक्विटी में भी बताया गया था, फिर एक बार इक्विटी बताइए। तो अगर कानून और इक्विटी के नियमों में टकराव होता है, तो कौन प्रिवेल करेगा, कौन अभिभावी होगा,
कौन लागू होगा, कानून की बातें कि साम्या की कानून की। उसी प्रकार तर्ज पर यहाँ देखिए, अगर मुस्लिम विद के किसी नियम और अध्याय दो के किसी नियम में विरोधाभास होता है तो यहाँ कौन प्रिवेल करेगी, मुस्लिम विधि, टीपीए नहीं। इसका अब यहाँ से जो क्वेश्चन जे में आया है, क्वेश्चन भी निकालते रहना, ये नहीं कि जो जे में दो बार क्वेश्चन रिपीट किया है वह आपका किया है टीपीए की धारा, यानी कि संपत्ति संक्रमण अधिनियम 1882 की धारा 35 से रिपीट किया है। क्वेश्चन ये बना है कि धारा 35 के सिद्धांत यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन या चुनाव का सिद्धांत या निर्वाचन का सिद्धांत किन पर लागू होता है, दे दिया है हिंदुओं पर, मुस्लिमों पर, दोनों पर, इनमें से कोई नहीं। तो अब देखिए ध्यान से वही धारा दो का जो सिद्धांत है, अगर चुनाव का सिद्धांत मुस्लिम विध के विपरीत होगा तो केवल हिंदुओं पर लागू होगा, मुस्लिमों पर नहीं, और अगर मुस्लिम विध का विरोधी नहीं है तो दोनों पर लागू होगा। तो जो ये निर्वाचन का सिद्धांत है ये मुस्लिम विध के विरोध में नहीं है, अतः मुस्लिम भी इस सिद्धांत से क्या होंगे, शासित, और ये सिद्धांत आपका सभी पर क्या होगा, लागू। अब जो टकराव हो उसी में आप न लागू कराएगा, जिसमें कोई टकराव नहीं है वहाँ कोई समस्या नहीं है, सभी पर क्या कर दीजिएगा, लागू करा दीजिए। ये आपका सेक्शन टू में, ये मुस्लिम विध में एक और आपका सेक्शन पढ़ना है, ये तो हमने दो को हिसाब से बताया सेक्शन, एक सेक्शन 129 भी पढ़ना है कि जो ये हिबा या दान या गिफ्ट का चैप्टर है अध्याय 7 धारा 122 से 129 तक, ये मुस्लिम विद के किसी नियम पर प्रभाव नहीं डालेगी, यानी कि मुस्लिम विद को प्रोटेक्शन दिया गया है पर्सनल लॉ को, फिर आपका किस धारा में, तो टीपीए की धारा 129। अब अगला सिद्धांत देखिए भाई, अगला जो हमें सिद्धांत देखना है कि जो भी ट्रांसफर किया जाएगा टीपीए के तहत वह एक्ट बाय पार्टी होगा, यानी कि पक्षकारों के क्या होगा, कार्य द्वारा, विध के प्रवर्तन द्वारा नहीं। यानी कि पक्षकार का कार्य मतलब कि व्यक्ति कोई कार्य करे, कानून नहीं। तो मैं बताया था कि कानून कब कार्य करता है, तो जैसे उत्तराधिकार हुआ, पिता मर गए तो पुत्र पुत्री और पत्नी को संपत्ति मिल गई, तो क्या ये कोई पक्षकार कार्य किए कि कानून ने दे दिया, कानून, तो टीपीए लागू होगी कि नहीं इस मामले में, नहीं। न्यायालय के डिग्री आदेश या निर्णय के तहत कोई संपत्ति बेच दी गई तो पक्षकारों ने कार्य नहीं किया, किसने किया, कानून ने, तो यहाँ टीपीए लागू नहीं हो। इसका मतलब ये हुआ कि संपत्ति अंतरण अधिनियम के तहत जो ये ट्रांसफर या अंतरण होगा वह पक्षकारों के कार्य द्वारा होगा, न कि विध की क्रिया द्वारा, ऑपरेशन बाई लॉ द्वारा नहीं होगा। लेकिन वही पॉइंट पकड़ना है, लेकिन इसके दो अपवाद हैं, और वहीं प्री में पूछ सकता है, एक अपवाद धारा 57 है और दूसरा अपवाद अध्याय 4। इसका मतलब समझिए थोड़ा, अगर मामला धारा 57 में आ जाता है या अध्याय 4 यानी कि मार्गेज और चार्ज में, यानी कि बंधक और भार में, तो इन दो प्रावधानों के तहत कुछ दशाओं में न्यायालय की डिक्री आदेश या निर्णय के तहत भी संपत्ति का ट्रांसफर हो सकता है, लेकिन ये नियम नहीं है, ये क्या है, टीपीए में अपवाद। तो क्वेश्चन ये बन सकता है कि संपत्ति अंतरण अधिनियम के तहत आपका कौन कौन प्रावधान है जहाँ की ऑपरेशन बाइला विध की क्रिया या कानून के तहत संपत्ति का अंतरण होता है, तो रट कर जाइएगा, बस दो ही प्रावधान है, एक कौन सी धारा 57
और दूसरा कौन सा अध्याय है? चार, ये रट कर जाइए। तीसरा, ये भाई सिद्धांत देखा जाए तो दूसरा निकल गया। तीसरा जो नियम सामान्य पढ़ना था वह ये है कि धारा पांच को उठाना था, बिहार मेंस में भी पूछा गया था कि संपत्ति अंतरण अधिनियम के तहत जो संपत्ति का अंतरण होगा वह लिविंग पर्सन के बीच होगा, उसको आपका इंग्लिश में कहा जाता है इंटरवाइवस होगा। इंटरवाइवस का मतलब जीवित व्यक्तियों के बीच होगा, यानी कि अगर विक्रय हम देखें तो जो व्यक्ति विक्रय कर रहा है और जिसको विक्रय किया जा रहा है, विक्रय की तारीख पर दोनों व्यक्ति क्या होने चाहिए? जीवित, यानी कि अंतरणकर्ता भी जीवित हो और अंतरिती भी क्या हो? जीवित। तो मान लीजिए तो वसीयत इससे बाहर चली गई। क्यों चली गई? क्योंकि वसीयत अगर ए ने बी को वसीयती दान किया है तो ए के मरने के बाद ही बी को वसीयती संपदा प्राप्त होगी, अतः टीपीए वसीयत टीपीए से गवर्न नहीं होगी और विल या वसीयत कहाँ चली गई? बाहर। दूसरा कानून लागू होगा। अब यहाँ आपका इसका अपवाद पूछा जाता है। देखिए, पहला तो सिद्धांत याद रखिए कि इंटरवाइवस का सिद्धांत टीपीए के किस धारा में समाहित है? तो धारा पांच में समाहित है, लेकिन इसका अपवाद पूछा जाता है। अपवाद का मतलब ये हुआ कि जहाँ कि दूसरा पक्षकार जीवित नहीं है फिर भी संपत्ति का ट्रांसफर किया जा रहा है तो उस ट्रांसफर को वैध माना जाएगा। तो अपवाद तीन धारा याद रखिएगा, 13 है, 14 है, 16 है। तो बताइए धारा पांच का अपवाद कौन सी धाराएं पूछ ले तो मारेंगे? आपका 13, 14 और 16। फिर एक बार समझिए, धारा 13, 14 और 16 में कुछ ऐसी दशाएं दी गई हैं जहाँ की किसी अनबार्न पर्सन, अनबार्न मतलब अजात, अजात मतलब कि जो जन्म ही न लिया हो, यानी कि अजन्मे के फेवर में अगर संपत्ति का अंतरण कुछ दशाओं में किया जाता है तो अजन्मा जीवित नहीं है लेकिन वह अंतरण वैध होगा, तो धारा पांच का ये क्या हो गई? तीनों धाराएं अपवाद। धारा पांच की कौन सी धारा अपवाद है? तीन धारा रट कर जाइए। इस प्रकार जो टीपीए की सामान्य बातें हैं, भाई दो तीन दिन लग गया सामान्य बातों में, समाप्त हुई, अब टीपीए शुरू किया जाए। जब भी कोई कानून आप पढ़िए तो एक नियम हम बता रहे हैं, सबसे पहले आपका उसका प्रियम्बल जरूर पढ़िए। मैं बता दूं, जब भी कोई कानून पढ़िए तो उसकी उद्देश्य का, इसीलिए हमने संविधान में भी उद्देश्य का बताई तब और चैप्टर निकाला, उसका प्रियम्बल या उद्देश्य का जरूर पढ़िए, क्योंकि उद्देश्य का ये बता देती है कि कोई कानून किन लक्ष्यों, किन प्रयोजनों की पूर्ति के लिए बनाया गया और किसी भी कानून की उद्देश्य का उस कानून की कही जाती है, कुंजी कही जाती है। और ये क्वेश्चन बिहार में आया भी था इसी बार कि संविधान की कुंजी कौन है, तो संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? प्रियम्बल को, यानी कि उद्देश्य का या प्रस्तावना। तो जब भी कोई कानून पढ़े, मैं फिर बता दूं, अब तो उद्देश्य का से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, आपका UPAPO में एविडेंस में उद्देश्य का से आया था कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम का क्या उद्देश्य है, तो आपका समेकन करना, परिभाषित करना और क्या करना, संशोधित, उपर्युक्त सभी। तो फिर एक बार बैक हो ये टीपीए पर, मैंने बताने का मतलब ये हुआ कि जब भी कोई कानून पढ़िए उसका जो प्रियम्बल होता है उसको आप जरूर पढ़िए, क्योंकि प्रियम्बल क्या होता है उस कानून की वही राज खोलता है, कुंजी होता है। तो टीपीए का प्रियम्बल क्या है? बेयर एक्ट शुरू होने से पहले ही प्रियम्बल दिया जाता है। देखिए भाई आपका क्या दिया गया है, पक्षकारों के कार्य द्वारा किए गए संपत्ति अंतरण से संबंधित विधि को आपका क्या करना, तो विधि को संशोधित करना, यानी कि इसके बाद लिखा गया है
कि पक्षकारों के कृत्य द्वारा संपत्ति अंतरण से संबंधित कतिपय भागों को तो एक एक शब्दों को तोड़ना भी है, तब समझाना है। देखिए, पहला शब्द ये है कि पक्षकारों के कार्य द्वारा, पक्षकारों के कार्य द्वारा संपत्ति अंतरण से संबंधित विधि यानी कि कानून के कतिपय भाग, कतिपय मतलब सम होता है और सम मतलब क्या होता है, कुछ कुछ भागों को क्या करना, आपका परिभाषित करना और क्या करना, संशोधित। अब देखिए इसी में तीन चार पॉइंट और आपका निकल जाएगा भाई, भले आप मैंने न समझ रहे हो लेकिन तीन चार आपका पॉइंट इसी से निकलेगा। यानी कि टीपीए का निर्माण क्यों किया गया, तो पहला पॉइंट यह है कि टीपीए का निर्माण पक्षकारों के कार्य द्वारा यानी कि एक्ट बाई पार्टी के द्वारा संपत्ति अंतरण से संबंधित विधि के बारे में किया गया। तो तुरंत हमने बताया कि पक्ष संपत्ति का अंतरण जो होगा टीपीए में, आपका पक्षकारों के कार्य द्वारा होगा, कानून द्वारा नहीं। लेकिन ये विधि का पूर्ण नियम नहीं है, इसके दो अपवाद हैं और कौन कौन, अभी हमने बताया सेक्शन 57 और अध्याय कौन 4, फिर एक बार दोबारा अभी बताया गया। दूसरे पॉइंट पर गौर करिए कि पक्षकारों के कार्य द्वारा संपत्ति के अंतरण, तो संपत्ति का अंतरण का मतलब क्या हुआ, तो संपत्ति शब्द की परिभाषा टीपीए नहीं देती लेकिन संपत्ति के अंतरण को जरूर बताती है। और संपत्ति के अंतरण को किस धारा में बताया गया है, धारा 5, आगे एक दो दिन में आ ही जाएगा तो डिटेल में चलेगा। संपत्ति के अंतरण से संबंधित विधि के, विधि माने कानून के कतिपय भागों, कतिपय भागों मतलब कि सभी भागों के कुछ भागों। तो बताइए क्या टीपीए संपत्ति अंतरण के बारे में पूर्ण प्रावधान करती है, ये तो प्रियम्बल ही बता देता है कि संपत्ति अंतरण से संबंधित मामलों में टीपीए पूर्ण नहीं है। संपत्ति अंतरण से संबंधित कानून के कुछ प्रावधानों का ही उल्लेख करती है, तो बताइए कितने प्रावधानों का उल्लेख करती है, 6। तो यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि सभी प्रकार की संपत्तियों के ट्रांसफर के बारे में टीपीए में प्रावधान नहीं है, केवल 6 प्रकार के ही बारे में है। उसमें कुछ में तो चल अचल में भी अंतर आ जाता है, जैसे विक्रय होगा तो केवल अचल का, बंधक होगा तो केवल किसका, अचल का, तो कुछ में और भी जाम है कि केवल अचल ही इमुएबल हुई। यानी कि एक लाइन कुछ शब्द देखिए ध्यान से, जो ये विधि के कतिपय भागों जो लिखा है, कतिपय भाग बहुत महत्वपूर्ण है, ये बता देता है कि संपत्ति अंतरण नियम 1882 के तहत संपत्ति अंतरण से संबंधित सभी बातों का प्रावधान नहीं किया गया है। और भी प्रावधान है जो अलग अलग पढ़ने हैं, जैसे कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, मुस्लिम पर्सनल लॉ है, भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 हो गया, ये भी कानून किससे संबंधित हैं, संपत्ति के अंतरण से, अलग अलग कानून है, टीपीए में पूर्ण प्रावधान नहीं। अगला देखिए, कुछ भागों को क्या करना, परिभाषित करना और संशोधित करना। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ बातों को डिफाइन इसमें किया गया है और कुछ बातों का एमेंड किया गया है। एमेंड का मतलब ये हुआ कि जो पुराने नियम कायदे थे उसमें कुछ क्या ला दिया गया, बदलाव। तो एक उद्देश्य आपका मिस कर रहा है, आप पकड़िए कि परिभाषित करना है ही और संशोधित करना है ही, तो एक उद्देश्य यहाँ मिस कर रहा है, कौन सा, समेकन। तो अब समेकन करना क्यों नहीं रखा गया, रख दिया जाता तो क्या होता, इस बात को समझिए।
समेकन पर भी आपका यूपीजे में इस बार क्वेश्चन टीपीए में आया था, वो अलग बताया जाएगा 61 से, वो तो आगे पढ़ाया जाएगा, लेकिन पहले समेकन शब्द समझिए। समेकन का मतलब होता है कंसोलिडेट करना, कंसोलिडेट मतलब होता है एकत्र करना, एक जगह बटोर देना। तो भाई किसको बटोरा जाता है, जैसे कि मान लीजिए किसी के खेत हैं और चार जगहों पर खेत छोटे छोटे प्लाट में बिखरे हुए हैं, तो उनको बटोर कर एक जगह कर दिया जाता है, तो वह भी कंसोलिडेशन होता है और उसको हम कहते हैं चकबंदी। चकबंदी मतलब कि कंसोलिडेशन, और ये कानून भी हमें पढ़ना है, यानी कि यूपी के लिए हमें ये भी कानून अभी पढ़ाया जाएगा। तो आपका खेतों को जुटा दिया गया। अब संविधान होता है तो सरकार कैसे चलाई जाती है, इन नियमों को क्या किया जाता है, एक जगह एकत्र किया जाता है। फिर आपका कह सकते हैं कि सभा या सम्मेलन करना है तो लोगों को एकत्र किया जाता है। तो समेकन का मतलब ये हुआ कि उस विषय से संबंधित सभी प्रावधानों को उस कानून में रख देना। तो क्यों नहीं समेकन शब्द का यूज किया गया है, क्योंकि ये जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है, संपत्ति अंतरण से संबंधित सभी प्रावधानों को एक जगह एकत्र नहीं करती, तो और भी प्रावधान है जो ट्रांसफर को गवर्न करते हैं, आपका हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, मुस्लिम पर्सनल लॉ और भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925। इसीलिए समेकन शब्द का प्रयोग टीपीए में नहीं किया। तो बताइए समेकन का प्रयोग किस में किया गया है, सीपीसी में किया गया कि नहीं किया गया है, सीआरपीसी में किया गया है, एविडेंस में किया गया है, कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट अपने आप में पूर्ण नहीं है, वहां भी कुछ भाग दिया जाएगा। इस प्रकार आपका प्रियम्बल भी अच्छे से याद रखना है कि क्या उद्देश्य नहीं है तो समेकन करना, तो क्या उद्देश्य है तो परिभाषित और क्या करना आपका संशोधित। अगला देखिए भाई, तो अब आपका ये तो आपका अब आइए सेक्शन वाइज शुरू किया जाए, और सबसे पहले जब सेक्शन शुरू करिए तो चैप्टर वाइज हमें चलना है। अब अध्याय वन आ जाइए, अध्याय वन में प्रारंभिक या सामान्य बातें ही दी जाती हैं, नाम गांव पता इत्यादि कुछ परिभाषाएं, तो वही हम भी बताएंगे कि प्रारंभिक बातें धारा एक से लेकर कहाँ तक दी गई हैं, चार। इसमें जो क्वेश्चन बनता है, एक तो धारा एक से एक बार क्वेश्चन बन सकता है, ज़्यादातर क्वेश्चन जो बने हैं आपका धारा तीन से बने हैं, यानी कि जो इंटरप्रटेशन क्लाज हैं उसी में एमपी में थोड़ा मॉडल अलग पूछा जाता है, यूपी में अलग पूछा जाता है। तो प्रयास ये किया जाएगा कि जो एमपी का मॉडल है वो भी ज़्यादा लेकर अब चला जाए, थोड़ा कमी थी एमपी के, कई लोग बताए एमपी का उदाहरण मैंने कम बताते हैं मॉडल आप, तो उसको भी अब लेकर चला जाए। तो देखिए किसी भी कानून की धारा वन में दो तीन बातें समाहित रहती हैं, एक उस कानून का नाम दिया रहता है संक्षिप्त नाम, दूसरा विस्तार दिया रहता है, और तीसरा इन्फोर्समेंट डेट, यानी कि कब ये लागू हुई या कब कानून प्रवर्तित हुआ। भाई इस कानून का शॉर्ट टाइटल संक्षिप्त नाम क्या होगा, लगातार नाम ही तो 3 दिन से बताया जा रहा है, आपका संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882। ये कानून कब लागू हुआ तो भी दो तीन बार बताया गया, 1 जुलाई 1882, निर्माण भी अब याद रखिए 17 फरवरी 1800, रटिए धीरे धीरे ये सब बातें। इसके बाद विस्तार, तो विस्तार ये समझिए कि वर्तमान में संपूर्ण भारत पर लागू है, वो जो पंचौरा दिया है बेयर एक्ट में उसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, वो उलझ जाएंगे उसमें, बस ये समझिए कि ये संपूर्ण भारत में इस समय लागू है, जम्मू कश्मीर में भी लागू है, नेपाल को छोड़कर भारत के सभी पड़ोसी देशों में लागू है जो
जो उत्तराखंड एक बार बनाया क्वेश्चन, यूपी ने कभी ऐसा क्वेश्चन नहीं बनाया। और चूंकि ये कानून साम्या पर आधारित है, बताया जा रहा है, तो विश्व के तमाम देशों में ये कानून लागू है। क्योंकि अंग्रेजों का जमाना था तो लगभग आपका आधे दुनिया पर उनका शासन था, तो जहां जहां गए इस कानून को क्या किए लागू, क्योंकि ये कानून शुद्ध रूप से किस पर आधारित मिलेगा आपको, इक्विटी पर। और साम्य के जितने नियम बताए जाएंगे, क्योंकि ये इक्विटी पर आधारित है, तो इन धाराओं का यूज किया जाएगा जहां जहां होगा। अगला देखिए आपका जो नाम पर आ जाया जाए, एक बार इंटरव्यू में पूछा उसको ही बता दिया जाए। किसी भी कानून का दो नाम होता है, एक लॉन्ग टाइटल और दूसरा शॉर्ट टाइटल। पहले लॉन्ग टाइटल या विस्तृत नाम दिया जाता था, अब परंपरा समाप्त हो गई, अब छोटा ही नाम काम करता है आपका कह सकते हैं। और विस्तृत नाम जो होता है, जो कानून का प्रियम्बल होता है या उद्देशिका होती है, उसे उस कानून का विस्तृत नाम कहते हैं। और संक्षिप्त नाम तो ज्यादातर कानूनों में किस धारा में दिया रहता है, आपका धारा 1। लेकिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, फिर पिछली बार जे का क्वेश्चन हम बता रहे हैं, जहाँ तक हमारे संविधान की बात है, संविधान का जो नाम दिया गया है वह पहले अनुच्छेद में न देकर लास्ट में दिया गया है, लास्ट प्रावधानों में, और किस आर्टिकल में, 393, कि इस संविधान का संक्षिप्त नाम भारत का संविधान होगा। ये क्वेश्चन पिछली बार 2018 में यूपीजे में बन चुका है, आ सकता है ऐसा क्वेश्चन। इसके बाद आपका संक्षिप्त नाम इसलिए दिया जाता है कि आसानी से आपका कह सकते हैं कि उन आपका उस कानून को जाना जा सके, तो संक्षिप्त नाम, जैसे गांव उदाहरण भी दिया जाता है कि गांव में लोग कहते हैं चिंटुआ, मिंटुआ, पिंटुआ, पपुआ, भाई फेकुआ, यही सब तो कहते हैं, ये चिंटुआ है, पिंटुआ है, मिंटुआ है, सिंटुआ है, पिंकिया है, चिंकिया है, तो यही सब कहते हैं लोग। लेकिन जो असली नाम रहता है वह लोग कम जानते हैं, और असली नाम जो सर्टिफिकेट पर है तो वह कम लोग जानते हैं, गांव में असली नाम कोई नहीं जानता। तो जो वो उपनाम है, यानी कि चिंटुआ पिंटुआ, वह संक्षिप्त नाम है, उसी नाम से ज़्यादा लोग जानते हैं। और ये जो है सर्टिफिकेट में, ये प्रियम्बल है, ये क्या रहता है, भारी भरकम। तो किसी का भी नाम देखिए, चाहे अम्बेडकर जी का देखिए, मोदी जी का देखिए, किसी से पूछिए तो पूरा नाम कभी नहीं लेते, आपका शॉर्टकट में अपना नाम ले लेते हैं और यही नाम चलता रहता है। तो याद रखिए, फिर एक बार इंटरव्यू में पूछा गया है, किसी कानून का जो उद्देशिका होती है वह विस्तृत नाम कही जाती है, मानी जाती है, और संक्षिप्त नाम छोटा दिया जाता है ताकि लोग आसानी से उसे क्या कर सके, बोल सके। अब उतना उद्देशिका बोलने में समय लगेगा तो भाई संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 बोल दीजिए, और यही नाम हमेशा आपका क्या करता है, ज्यादातर चलता है। इसके बाद धारा 1 समाप्त हो गई, तो धारा 2 आइए। धारा 2 भी कम ही, एक दो पॉइंट आपको केवल पकड़ना है। सेक्शन 2 में आपका सेविंग क्लाज है, यानी कि धारा 2 आपका कुछ एक्टों को निरसित करेगी, यानी कि रिपील करेगी, किन्हीं अधिनियमितियों, प्रसंगतियों, लाइबिलिटी, राइट यानी कि दायित्व और अधिकारों को बचाएगी भी। फिर एक बार देखिए इसको, थोड़ा भूम देखिए धारा 2 की, तब आगे बताया जाएगा। जहां तक सेक्शन 2 की बात है, आज तक कमीशन में भाई क्वेश्चन बना नहीं, मैं बता दूं। आपका एक दो प्रिंसिपल जरूर हैं जो मैं बता चुका हूँ सामान्य बातों में, और वे बातें हम फिर से 2-3 बताएंगे। लेकिन आपका धारा 2 की भूमिका थोड़ा देखिए, भूमिका आपको ये देखनी है कि जब किसी विषय पर नया कानून बनाया जाता है
उस विषय पर जो पूर्ववर्ती कानून होते हैं उनको निरसित किया जाता है, समाप्त किया जाता है और तब नया कानून लागू किया जाता है। ये पहले सिद्धांत पकड़िए। तो ऐसी दशा में आपका दो उदाहरण हम एक्स्ट्रा पहले देते हैं, एक कॉन्स्टिट्यूशन का और दूसरा सीआरपीसी का। जब 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ, उसके पहले हमारा देश का शासन भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुसार चलाया जाता था। तो जब तक 1935 वाला कानून निर्सित न किया जाए, हमारा संविधान कैसे लागू होगा? क्योंकि एक ही विषय पर एक ही देश में दो संविधान नहीं चल सकते। कितना संविधान चल सकता है? एक। तो पुराने कानूनों को क्या किया जाता है? निरसित। सामान्य नियम ये है कि जो निरसित किया जाता है वो लास्ट धारा के तहत किया जाता है। किसके तहत? तो संविधान का कौन सा लास्ट अनुच्छेद है? 395। और सीआरपीसी पुरानी निरसित करके नई लागू की गई, तो सीआरपीसी की लास्ट धारा कौन है? 484। तो इसके तहत जाकर आप देखिएगा पुराने कानून को क्या किया गया? निरसित। लेकिन टीपीए में ऐसा नहीं है, माने हो सकता है कि पहले निरसित कर दिया जाए, टीपीए में ऐसा नहीं है। टीपीए में ये कार्य किया जरूर गया है, लेकिन धारा 2 और शेड्यूल के तहत। अब कंसेप्ट बनाइए। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के लागू होने के पूर्व अंग्रेज क्या किए थे कि प्रांतों और प्रेसिडेंसी के लिए छोटे छोटे कानून संपत्ति के अंतरण के बारे में बनाए थे। यानी कि छोटे छोटे कानून प्रांतों के लिए अलग अलग क्या कर किए थे? बनाए थे। अब समस्या ये उत्पन्न हुई कि जब टीपीए का निर्माण हो गया, लगभग पूरे भारत में लागू हो गई, तो उन छोटे छोटे जो लोकल कानून बनाए थे अंग्रेज, उनका क्या होगा? तो उनका क्या होगा? तो धारा 2 ये बताती है कि ऐसे कानून को आपका या तो पूरी तरह वे समाप्त हो जाएंगे या उनके कुछ भाग समाप्त होंगे। तो वे पुराने कानून किस मात्रा तक निरसित या समाप्त हो जाएंगे, या तो पूरा समाप्त किया जाएगा या पूरा न करके कुछ हिस्सा किया जाएगा। और इसका उल्लेख आपका कहाँ किया गया है? टीपीए में, अनुसूची में। अनुसूची में पुराने कानूनों के लास्ट में आप देखेंगे 137 धारा के बाद एक बार देखिए, और उसमें दिया गया है कुछ कानून का वर्णन है, और कानून पूरा समाप्त किया जा रहा है कि उसका कुछ पार्ट किया जा रहा है कि कुछ चैप्टर किया जा रहा है, ये स्पष्ट रूप से उसमें क्या है लिखा है। आप लास्ट में देखिए 137 धारा के बाद शेड्यूल होगा, तो जिस कानून को पूरा समाप्त कर दिया गया वो पूरा भारत से समाप्त हो गया, और जिस कानून के कुछ हिस्से को समाप्त किया गया वह पूरा समाप्त न होकर उसका उतना हिस्सा क्या हो गया? समाप्त। अब समस्या ये आती है कि अगर 1 जुलाई 1882 के पहले किसी व्यक्ति को कोई अधिकार मिला था, किसी व्यक्ति पर कोई लायबिलिटी थी या कोई संपत्ति मिल गई थी, तो क्या टीपीए उस पर भी प्रभाव डालेगी कि उस पर प्रभाव नहीं डालेगी? तो आपका यानी कि क्या पुराने अधिकारों पर टीपीए प्रभाव डालेगी कि नहीं डालेगी, कि वह अधिकार बने रहेंगे? अब इस बात पर गौर करिए। यानी कि 1 जुलाई 1882 के पहले जिन व्यक्तियों को जो संपत्ति मिल गई थी, संपत्ति में अधिकार मिले थे और नया कानून बन गया, तो कि क्या ये नया कानून पुराने अधिकारों दायित्वों पर विपरीत प्रभाव डालेगा कि नहीं डालेगा? नहीं डालेगा, याद रखे डालेगा नहीं। यानी कि पुराने अधिकार उनके क्या रहेंगे? बने रहेंगे। ये सेविंग क्या, ये क्या किया गया? सेविंग।
यानी कि धारा दो कुछ कानूनों को समाप्त भी करती है, तो कुछ कानूनों को क्या करती है, अधिकारियों को बचाती भी। इसी को कहा जाता है रिपील एंड सेविंग। तो आपका रिपील एंड सेविंग बिहार जे का क्वेश्चन आ जाइए, फिर बैक होइए। आपका रिपील एंड सेविंग में देखिए कोरलेट भी करते रहना है। जैसे कि संविधान का अनुच्छेद 395 पढ़ेंगे, सीआरपीसी की धारा 482 पढ़ेंगे, तो बताइए केवल निरसन है कि सेविंग है कि दोनों है, भाई क्या मार कराएंगे। भले हेडिंग न दिया गया हो, निरसन लिखा सीआरपीसी में तो लिखा गया है। संविधान फिर एक बार बैक होइए भाई। संविधान के अनुच्छेद 395 की जो हेडिंग है वह रिपील है, निरसन, सेविंग या बचत नहीं दी गई है, लेकिन एक कार्य को बचत भी किया गया है, बचा लिया गया है, और वहीं आपका जाकर बिहार जे में पूछ लिया कि प्रिवी काउंसिल के जो निर्णय होंगे वह बचाए गए हैं और आज भी भारत में लागू होंगे, या अपने मन से हम नहीं बता रहे हैं, कहाँ दिया स्पष्ट रूप से 395। तो प्रिवी हाँ 484 है भैया, ये संविधान का अनुच्छेद आपका कहाँ दिया गया, 395 पूछा। अब 484 एक बार देखिएगा सीआरपीसी जाकर, स्पष्ट रूप से लिखा गया कि पुराना कानून जो सीआरपीसी का था 1898, उसको रिपील किया जाता है, लेकिन उसमें की कुछ बातें बचाई भी जाती हैं, तो केवल रिपील है कि सेविंग है कि दोनों है 484 में, तो दोनों, एक बार पढ़िएगा जाकर। उसी प्रकार आपका सेक्शन 2 भी यही काम करता है, लेकिन दो और सेविंग की गई है, वह आपका देखा जाए, मैं सामान्य बातों में भी बता चुका हूँ लेकिन फिर एक बार बता रहा हूँ कि सामान्यतः टीपीए के तहत जो संपत्ति का अंतरण होगा, धारा 2 कहती है कि पक्षकारों के कार्य द्वारा होगा, लेकिन धारा 2 में ही इसका दो अपवाद है। कौन कौन धारा हमने एक बताए थे, एक अध्याय कौन कौन, धारा 57 और टीपीए का अध्याय 4। इन दो प्रावधानों के तहत विध की क्रिया द्वारा भी संपत्ति का क्या हो सकता है, अंतर, ये धारा 2 में। और मुस्लिम इलाका जो मैं बताया था ये भी धारा 2 में ही है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर पर्सनल मुस्लिम लॉ के किसी प्रावधान और आपका टीपीए में टीपीए के अध्याय 2 में टकराव होता है, तो वहाँ पर्सनल मुस्लिम लॉ लागू होगा, और टकराव नहीं होता तो मुस्लिमों पर भी टीपीए लागू होगी। और जो जे में क्वेश्चन आ चुका है वह एक ही बना था, धारा 35 पर, किस पर लागू होती है, सभी पर, क्योंकि तो मुस्लिम विद के विरोध में ये धारा नहीं। तो इस प्रकार धारा 2 में जो मुख्य मुख्य बातें थी वह समाप्त हो गई। अब सेक्शन 3 चलता है, सेक्शन 3 में एक दो दिन लगता है। देखिए सेक्शन 3 की भूमिका बांध दिया जाए तब आपका संविधान भी चलाना है। सेक्शन 3 में आपका एक क्वेश्चन प्री में निश्चित रहता है, मेंस में भी आपका बनता है, 2 से 3 लेक्चर लग जाएगा सेक्शन 3 पढ़ाने में, और यहीं से हमें डिटेल में शुरू भी करना है। इसके पहले आपका एक दो बार चल भी चुका था टीपीए, चूंकि नए लोग हैं इसलिए पुनः एक बार दोहराया ही गया। सेक्शन 3 से आपका 7 शब्दों को इंटरप्रेट किया गया है, निर्वचित किया गया है, उनको इंटरप्रिटेशन या 7 शब्दों की परिभाषा दी गई। तो नियम ये बनाना है कि एक कानून की परिभाषा को दूसरे कानून में अप्लाई न करिएगा, यानी कि अगर कोई शब्द संपत्ति अंतरण में परिभाषित है, आईपीसी में परिभाषित है, तो बिल्कुल घाल में न करिएगा, आईपीसी की परिभाषा यहाँ न अप्लाई करिएगा, और टीपीए की परिभाषा कहाँ न अप्लाई करिएगा, आईपीसी में। हर एक चीज की परिभाषा क्या होती है, हर एक कानून की अलग अलग।
जब तक कि स्पष्ट रूप से उल्लेख न हो, जैसे कि पेपर मिलता है तो लिखा रहता है, जब तक न कहा जाए न खोलिए, तो उसी प्रकार यहाँ भी जब तक कि कानून में स्पष्ट रूप से न लिखा हो, इस कानून की परिभाषा इस कानून में भी लागू होगी, तब तक लागू नहीं करना है। यानी कि चूंकि कोरिलेट करके चलेगा, और जो भी चीजें पढ़ाई जाएंगी, जहाँ जहाँ उस शब्द की परिभाषा रहेगी वो भी हम बताएंगे, लेकिन बस उसको ये नहीं कि टीपीए में लागू कर दीजिए जब तक अस्पष्ट कहा न गया हो। तो कल इस धारा को शुरू करेंगे, पर 10 मिनट का ब्रेक रहेगा भाई, आपका बताया जाए 10 मिनट का ब्रेक रहेगा, संविधान चलेगा, ताकि शेड्यूल 1-1 घंटे का चलता रहे, कम से कम 1-1 घंटा एक क्लास चले। पहला क्लास थोड़ा ज़्यादा चलता है, वो अलग बात है, लेकिन कम से कम 1-1 घंटा तो चले भाई, ज़्यादा समय नहीं, 10 मिनट का ब्रेक रहेगा, और कॉन्स्टिट्यूशन में वहीं अनुच्छेद 368 पढ़ाया जाएगा।